वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल, जो आप लोगों का ज़्यादा और मेरा कम है, मेड फॉर एसएससी। तो आज थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि केके का वो डेथ के बारे में, डिमाइस के बारे में सुन के थोड़ा सा मन को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। लेकिन मैंने एक डेटा देखा जिसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जल्द से जल्द बनाना चाहिए। तो जो भी तुम लोगों में से सीजीएल 2020 के लिए वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए, ये डेटा ज़रूर देखो। हम लोग डायरेक्ट वीडियो में जंप करते हैं, उससे पहले मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, आई एम वॉकिंग सीएजी अकाउंटेंट। दो बार सीजीएल दिया हो, दो बार क्वालिफाई किया हो, फर्स्ट टाइम टीए मिला था, सेकेंड टाइम सीएजी अकाउंटेंट मिला है, चार साल से होम पोस्टिंग में हो। बट लुक एट द डेटा, बिकॉज आई एम अ वेरी स्टैटिस्टिकल माइंड। यहाँ पे एक चीज मैंने देखा, यहाँ पे अगर ध्यान से तुम लोग देखो, यहाँ पे लिखा है, देख लो एक बार, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर आई मीन, प्रिवेंटिव ऑफिसर पीओ जो कस्टम्स में है, और डिविजनल अकाउंटेंट डीए। अब ये तीन पोस्ट के लिए मैंने जो देख रहा था डेटा, मुझे बहुत अचानक से एक बहुत चीज देखने को मिला। अगर ठीक से आप ध्यान से देखोगे, यूआर के लिए 364 है एक्साइज, 193 एससी के लिए, एसटी के लिए 95, ओबीसी के लिए 433, वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज दिस ईयर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 131, टोटल है 1216 वैकेंसीज। प्रिवेंटिव के लिए 388 यूआर, 137 एससी, 68 एसटी, 195 ओबीसी, 90 ईडब्ल्यूएस, 878 टोटल वैकेंसीज। और डीए के लिए 162 यूआर, 60 एससी, 30 एसटी, 108 ओबीसी और 40 इस ईडब्ल्यूएस, टोटल 400 पोस्ट्स। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले और देख ले, यूआर के लिए टोटल पोस्ट जो है इस तीनों पोस्ट मिला के 914 पोस्ट्स, एससी के लिए 390 पोस्ट्स, एसटी के लिए 193 पोस्ट्स, ओबीसी के लिए 736 पोस्ट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 261 पोस्ट्स। जबकि टोटल में अगर देखे तो जीएसटी का टोटल है 1216, प्रिवेंटिव के लिए 878 और डिविजनल के लिए 400, मतलब 2494 टोटल पोस्ट है ये तीन पोस्ट मिला के। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बोलनी चाहिए वो है, ये वैकेंसीज है 23 मार्च 2021 के हिसाब से। अब एक साल से ज्यादा हो गया है तो मुझे लगता है वैकेंसीज तो बढ़ेगा। फिर भी अगर तभी का ही डेटा देखे तो 2494 टोटल वैकेंसीज था 7035, मतलब ऑलमोस्ट 35% वैकेंसीज दिस ईयर इन सीजीएल 2020 इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीस थ्री पोस्ट ओनली। ये तीन पोस्ट ने 35% वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज किया है। तो अगर हम लोग ये सोच ले, कॉमन सेंस लॉजिकली सोच ले कि एक साल से भी ज़्यादा है, तो अगर पकड़ ले कि और भी 100-150 करके पोस्ट बढ़ा है क्योंकि रिटायरमेंट हुआ है, अगर 100 भी नहीं 50-60 करके तो पोस्ट बढ़ेगा ही। फिर भी अगर हम यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन में आएंगे कि आपका रैंक रेंज में क्या आना चाहिए और ये जो तीन पोस्ट है ये कौन सी रैंक रेंज में मिलेगा, लेट्स सी। अगर हम लोग पकड़ ले यूआर के लिए कि ऊपर में 200 पोस्ट्स है, 200 पोस्ट में बढ़ा के बोल रहा हूँ ऊपर में, कि आईटीआई, ईडी, एमईए, ये सब कुछ मिला के, इतना भी नहीं होगा, 200 पोस्ट भी नहीं होगा, बट अगर सब कुछ मिला के भी हम ले ले तो ऊपर में 200 पोस्ट चला गया और आ गया 914 पोस्ट। मतलब कि अगर आपका यूआर में रैंक 201 से 1120 में है तो आपको ये तीनों में से ही चांसेस मिलेगा पोस्टिंग के लिए। लेकिन जितना कम होगा उतना मुश्किल हो जाएगा ये तीनों पोस्ट मिलने का ही, क्योंकि ये तीनों पोस्ट ही इक्वली प्रेफरेबल पोस्ट है। ये तो 4600 ग्रेड पे पोस्ट है, ये 4200 है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल पोस्ट है बिकॉज ऑफ द जॉब प्रोफाइल। तो जितना कम रैंक होगा उतना कम चांसेस होगा ये पोस्ट मिलने के लिए आप लोगों का। नंबर वन, अगर एससी के लिए पकड़ ले ऊपर में 150 लोग है तो आपको भी 200 से एससी के लिए अगर देखे, एससी के लिए देखे तो 200 से 600 के अंदर अगर हो तो ये कोई भी पोस्ट आप ले सकते हो। एसटी के लिए भी अगर ऊपर में हम लोग देखे कि 200 के करीब है, 200 नहीं होगा 150 होगा, फिर भी हम पकड़ के चलते अगर एसटी हो तो 150 से 500 के अंदर अगर रैंक है तो बहुत ही बढ़िया ये तीनों पोस्ट मिलेगा। सिमिलरली ओबीसी के लिए हम क्या देख सकते हैं, ओबीसी के लिए 736, अगर ऊपर में हम 200 पोस्ट पकड़ भी ले तो 900 1000,
तो अगर आपका रैंक 300 से 1000 के बीच में है तो आप कोई भी पोस्ट ले सकते हो ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम देखें, ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो ऊपर में अगर हम 150 पोस्ट भी ले लेते हैं ऊपर में, ये सब ऊपर में है, ईडी वीडी सब कुछ मिला के, एमईए वेमईए इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अगर पकड़ के चलते हैं तो ऊपर में अगर 150 पोस्ट है तो 400 मतलब 250 से 500 के रैंक में अगर है ईडब्ल्यूएस तो कोई भी पोस्ट मिलेगा। इतना इजी है स्टैटिस्टिकली डेटा अगर हम लोग एनालाइज कर ले तो इतना ही इजी है बताना कि कितना रैंक में मिल जाएगा। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो वैकेंसीज बढ़ जाएगा और भी ज्यादा वैकेंसीज है, हाँ है, फिर भी इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये मॉडरेट रेंज है। मतलब अगर 201 से 1120 में बता रहा हूँ, दिस कैन बी 300 से 1200, 400 टू 1300, बट नॉट मोर देन 1400 और 1500। लास्ट थिंग 200 से 600 बोल रहा हूँ आप पकड़ सकते हो, 300 से 700 एसटी बोल रहा हूँ, 150 से 500 आप पकड़ सकते हो, 300 से 800 ओबीसी बोल रहा हूँ आप 300 से 1000 आप पकड़ सकते हो, 500 से 1200 और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 से 500 मैं बोल रहा हूँ पकड़ सकते हो, 300 से 600। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर यही डेटा में आपका रैंक आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस है ये तीनों में से आप कोई भी पोस्ट चूज करो तो आपको वो मिलेगा, बाकी के लिए नहीं भी मिल सकता। जितना रैंक आपका नीचे जाएगा, अगर 1000 से ज्यादा हो जाता है, आप अगर ओबीसी में हो ओबीसी और आपका रैंक 1200 है तो ये तीनों पोस्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि कौन सा मिल सकता है, क्योंकि ये दो तो नहीं मिलेगा क्योंकि 4600 ग्रेड पे पोस्ट है। आप लोग ये अभी सोच लो कि देख लो कि आपका रैंक कितना है और रैंक के हिसाब से अपना प्रेफरेंस मांग लो। अब स्टेट प्रेफरेंस क्या होगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा, वो इंटायरली डिपेंड करेगा आपका रैंक क्या है। अगर कोई 300 की मतलब फीमेल है, लड़की है और उसका प्रेफरेंस है एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी मिलेगा, पीओ वो भी मिलेगा, डीए वो भी मिलेगा घर पे, बट नॉट लाइक दैट फॉर अदर पोस्ट। तो होपफुली मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ तुम लोगों के लिए कि कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो, पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, एसएससी मेड फॉर एसएससी का फेसबुक इंस्टा टेली लिंक जाके फॉलो करो, डीएम करो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि मैं सोच रहा हूँ फॉर ओपनिंग अ ब्लॉग रिगार्डिंग द चैनल्स क्वेरीज। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों का जो भी क्वेरी है वो मैं एक पोल से ले लूंगा और जिसका आंसर मैं वीडियोस में नहीं दे पा रहा हूँ उसका आंसर मैं ब्लॉग्स में दे दूंगा और आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि आप ब्लॉग्स में जाके पूरा एकदम डिटेल में आप समझ सकते हो। अगर आपका भी कोई फीडबैक है वो भी मुझे वहाँ पे बता सकते हो। तो आइडिया कैसा लग रहा है तुम लोगों को मुझे बताओ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना, बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑसम वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड टिल देन टाटा गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।